मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है। लगभग 15 जिलों में अगले कुछ घंटों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार लगभग 15 जिलों में अगले कुछ घंटों में बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के तेज झोंके भी चलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में तेज बारिश होने की वजह से लोगों को राहत मिली है। पूर्वांचल और तराई के इलाकों में हल्की बारिश से और बादलों के छाए होने से बढ़ते तापमान से तो राहत मिलेगी, लेकिन बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के जिले को फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। अभी तक के अनुमान के मुताबिक 12 जून से पहले पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के जिले में बारिश की कोई संभावना नहीं है। दक्षिण पश्चिम मानसून 11 जून को पूर्वांचल के रास्ते प्रदेश में दाखिल होगा। उसके पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड पहुंचने में 24 घंटे का समय लगेगा। इन जिलों को अभी तक कोई राहत मिल पाई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शिवा शर्मा। तो शिवा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से अपडेट सामने आ रहे हैं। देखिए प्रिया, मौसम विभाग की तरफ से पहले इस बात को बताया गया था कि आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है, और आज सुबह से ही लखनऊ सहित आसपास के जिलों में तेज बारिश हुई है और तकरीबन 3 घंटे तक ये बारिश हुई है, जिससे आम जनमानस जो है वो थोड़ी व्यस्त जरूर रहा है। लोगों को रात की सांस इसलिए मिली है क्योंकि बीते 2 दिनों में लखनऊ समेत आसपास के कई जिलों में भीषण गर्मी के साथ साथ उमस भी हो रही थी, और उसी को शायद राहत दी है। लेकिन इस बारिश ने कहीं ना कहीं इस बात को जता दिया है कि आने वाले समय में मॉनसून जो आने वाला है उस वक्त के पहले भीषण बारिश उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो सकती है। पूर्वांचल हिस्से की बात की जाए तो महाराजगंज, बलिया, गोरखपुर समेत कई जिलों में आज सुबह से ही तापमान जो है वो बहुत तेजी से लुढ़का है, और उन जिलों में बारिश की जो संभावना थी जो बहुत तेज बताई जा रही है, हालांकि उतनी तेज नहीं हुई, लेकिन आने वाले समय में मौसम विभाग ने इस बात को कहा है कि तेज बारिश कहीं ना कहीं लोगों का आम जीवन अस्त व्यस्त कर सकती है। इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स को पहले से अलर्ट पर उत्तर प्रदेश के अंदर रखा गया है, ताकि अगर आपदा किसी तरीके की आती है बारिश की वजह से तो उससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश का डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स तैयार रहे। तो सुबह से ही कहीं ना कहीं बारिश ने जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जो अपने कामकाज पर जाने वाले लोग हैं, उन लोगों की जो मुसीबत है वो थोड़ा सा बढ़ा दी है। लेकिन अब मौसम थोड़ा सा खुल गया है, लेकिन आने वाले दिनों में लोगों को सतर्क होकर रहना पड़ेगा, ताकि अगर बारिश होती भी है तो उससे निपटा जा सके। यानी जो जो रेनकोट्स है, जो उनकी गाड़ियां हैं, जो फॉगलाइट का अगर इस्तेमाल करेंगे तो शायद उस बात को लेकर के उनको थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल मौसम का मिजाज सुबह से ही बदला हुआ है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो मौसम विभाग है उनके क्या कुछ अपडेट सामने आए हैं, कितने टाइम तक ये बारिश जारी रहेगी। आपको बता दें कि लखनऊ में तेज बारिश होने की वजह से लोगों को काफी राहत मिली है। वहीं पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल और तराई के इलाके में हल्की बारिश से और बादलों के छाए होने से बढ़ते तापमान से तो राहत मिलेगी, लेकिन बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के जिले को फिलहाल कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है।